रेसिपी है ओरियो मूज केक। इसके लिए सबसे पहले टॉपर में 2 हाफ रोल ओरियो बिस्किट्स के डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से क्रश करेंगे। क्रश करके इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। पाउडर बन चुका है, खोलकर एक दफा इसे चेक करेंगे और अब इसमें 4 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। बटर ऐड करने के बाद एक दफा फिर से इसको चलाएंगे कि ओरियो का जो पाउडर है और जो बटर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इस पाउडर को केक के मोल्ड में अच्छी तरह से प्रेस करके बेस बना लेंगे। यही हमारे केक की बेस बनेगी। इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर लेंगे और तकरीबन 30 मिनट तक इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। इस तरह से प्रेस करके अब एक बोल में 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर लेंगे, उसमें 1/3 कप गर्म पानी ऐड करेंगे और अब इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि जेलेटिन पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए। ये हल हो गया है, अब इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। अब एक बोल में 1.25 कप व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। इस क्रीम को बीटर की मदद से तकरीबन हम 5 मिनट्स तक बीट करेंगे। अब हमें बीटर चलाते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। अब इसमें 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे और एक दफा फिर से बीटर की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए बीटर को फिर से चला लेंगे। जेलेटिन मिक्सचर को भी अब हम इस क्रीम में ऐड कर देंगे और बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये सब चीजें यकजान हो जाए। अब हम थोड़े से रफली चॉप्ड ओरियो बिस्किट्स ले लेंगे और हल्के हाथ से इसको क्रीम के अंदर मिक्स कर देंगे। अब इस क्रीम को आहिस्ता आहिस्ता से केक की बेस के ऊपर डालते जाएंगे और साथ के साथ इसे हम सेट भी करते जाएंगे, यहां तक कि हम मोल्ड को फुल कर लेंगे। और इसको ऊपर से बिल्कुल इवन और स्मूथ कर देंगे इस तरह से, ऊपर से बिल्कुल प्लेन कर देंगे। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 1 घंटा गुजर चुका है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। सबसे पहले इस पे ओरियो बिस्किट्स का पाउडर डालेंगे, उसके बाद व्हिप क्रीम से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, फूल, सर्कल, लाइंस, जो भी आप पसंद करें। क्रीम के फूल बनाने के बाद मिनी ओरियोज लेके इस डिजाइन को फिक्स करेंगे और इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। मो
स्मूथ केक रेडी है। अब बहुत एहतियात के साथ इस मोल्ड को खोल के इसको निकाल लेंगे। हमारा केक फिक्स हो चुका है। अब हम इसे स्लाइस कर रहे हैं। आप ये रेसिपी ट्राई करें और फीडबैक हमारे साथ शेयर करें कि आपका केक कैसा बना। बारी है इस मजेदार केक को ट्राई करने की। Enjoy it.